ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्या किया आपने? आपने चोरी की, वो भी की है हमने चोरी, अपने अंतरात्मा का गला घोटकर, अपने उसूलों के खिलाफ जाकर हमने वो किया है जो आज तक कभी नहीं किया। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस लिए किया ये महत्वपूर्ण है। पंडित जी ने कहा है कि यही एक विधि है जिससे किट्टू के यहाँ पुत्र पैदा हो सकता है, नहीं तो सिर्फ एक संतान और वो भी बेटी। दायरा की कुंडली में साफ लिखा है। हम जानते हैं तुम सब हम पे बहुत गुस्सा हो, लेकिन हमने ये सब अपने लिए नहीं किया, हमारे परिवार, हमारे खानदान के लिए ये सब हमें करना पड़ा। खानदान और वंश का नाम लेकर आप अपनी गलती को जस्टिफाई मत कीजिए, जो गलत है वो गलत है। क्या गलत है बताओ, क्या गलत है? पोते की चाह गलत है? माँ जी प्लीज, पोते की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर पोती होती तो उसमें बुराई क्या है? और क्या क्या इस खानदान में लड़कियां नहीं हुई है पहले? इससे पहले इस खानदान में पोते की चाह में पूजा भी हुई है इस वक्त, और एक नहीं दो दो पोते हुए थे, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। हाँ दीदी, पंडित जी ने कहा था कि नायरा को एक ही बेटी होगी, और इसलिए दादी इन चक्करों में पड़ गई। नायरा के घर से वो शंख चुरा लिया, क्या ये गलत बात नहीं है? क्या गलत है इसमें? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना अगर गलत बात है तो हम गलत ही ठीक है। हमने जो किया उससे हम भी खुश नहीं है, लेकिन जब सोचते हैं किस लिए किया, किसके लिए किया, तब संतोष होता है। एक माँ के लिए उसके बच्चे, उसके परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। किस परिवार की खुशी की बात कर रही हैं आप दादी? I don't think आपकी इस बात से घर में कोई भी खुश है। और बाकी सब छोड़िए, आपने ये सब कार्तिक के लिए किया ना, क्या वो खुश है? कार्तिक, बिल्कुल नहीं दादी, ये आपने ठीक नहीं किया। नायरा कितना भरोसा करती है आप पर, और आपने उसी के साथ। मुझे नहीं पता था कि आपके मन में बेटा और बेटी के लिए इतना फर्क है। मुझे तो लगता था कि आपकी सोच मॉडर्न है। आप ही बताइए, ऐसा क्या है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती? हम मानते हैं कि आज के जमाने में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, लेकिन उनकी भी सीमाएं होती है। कुल का नाम सिर्फ बेटा आगे बढ़ा सकता है, लड़कियां नहीं। संतान के नाम के आगे पिता के कुल का नाम होता है। अगर तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो किट्टू का वंश यही खत्म हो जाएगा, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसने कहा वंश का नाम खत्म हो जाएगा? वंश दोनों के नाम से भी तो चल सकता है ना। ये देखिए दादी, पूजा की थाली, क्या लिखा है इसमें? राधे कृष्ण। आपको याद है दादी, एक बार लवकुश ने गलती से कृष्ण राधा लिख दिया था, तो आप ही ने उन्हें सही किया था कि कृष्ण राधा नहीं राधे कृष्ण होता है। हमेशा हर जगह राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, उसी तरह सिया राम ज्यादा प्रचलित है राम सीता से। श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में भी सब एक दूसरे को राधे राधे करके ही बुलाते हैं। जब देवी देवताओं ने औरत को ऊंचा स्थान दे दिया है, तो कम से कम हम इंसान उन्हें बराबरी की जगह तो दे ही सकते हैं ना दादी? नायरा के सवाल का जवाब दीजिए दादी, अब चुप क्यों है आप? किट्टू तुम समझ क्यों नहीं रहे, हमने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। ये चोरी, ये पूजा, ये विधि, ये सब तुम्हारे बच्चे का मुंह देखने के लिए किया है। अब प्लीज इसमें कोई विघ्न मत। ये घर हमेशा आपके हिसाब से चला है दादी, आपने जो कहा हम सब ने माना, कभी आपकी कोई बात किसी ने इनकार नहीं की, लेकिन ये नहीं, आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी।
क्योंकि मैं पर्सनली बेटे या बेटी में कोई फर्क नहीं करता। मुझे भी किसी पे कोई एतराज नहीं है दादी, इस तरह की गलत बात का साथ मैं नहीं दूंगी। मैं भी बीवी मेरा और नायरा का होगा ना दादी, उसके बावजूद हमें तो हक नहीं है ये तय करने का कि लड़का होगा या लड़की। तो फिर और किसी को ये हक क्यों? और किसी को? हम कोई और हो गए किट्टू, तुम और नायरा एक और हम कोई और, क्या हमारा कोई हक नहीं है तुम पे? बात को घुमाइए मत दादी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि नायरा सही है तो मैं उसका साथ दे रहा हूँ। हो सकता है दादी की बेटी सिर्फ नायरा की कुंडली में नहीं मेरी कुंडली में भी हो, पर नहीं, आपको दोष हमेशा उसमें दिखेगा क्योंकि मैं तो आपका खून हूं ना। आपने कभी सोचा दादी नायरा ने आपका कितना साथ दिया हर बात पर, कितना मान रखा आपका? ये गुण सिर्फ बेटियों में होता है दादी, भगवान ने हम बेटों को ऐसा बनाया है नहीं। बेटियां ही पराए घर में जाकर उन्हें अपना बना सकती है, उनके हिसाब से अपने आप को ढाल सकती है। हम बेटे ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो लोग लक्की होते दादी जिनकी बेटियां होती है। अगर मेरे नसीब में ये है तो आप क्यों छीन लेना चाहती? दादी मैं तो बहुत खुश हूं अगर अगर नायरा ने बेटी को जन्म दिया, मुझे एक छोटी नायरा मिल जाए। वही तो हम नहीं चाहते। एक नायरा के चलते ये हाल है, तुम्हें कोई सही नहीं लगता ना कोई अपना लगता है, तो दूसरे नायरा के आते तो सब खत्म ही हो जाएगा। इतने अंधे हो गए तुम अपने पत्नी के प्यार में कि तुम और किसी को समझना ही नहीं चाहते। उस दिन कमरे में हमने तुम्हें यही बोला था ना, देखो आज साबित भी हो गया। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है दादी, ये आपका वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं होता। कहो जो भी मन में है कह डालो, क्योंकि तुम जो भी कहोगी किट्टू तो तुम्हारे साथ होगा ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ दादी की मैं ये शंख वापस देने जा रही हूँ। नहीं नारा प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि तुमने अगर ये शंख इस वक्त वापस किया तो हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। हाँ नहरा तुम अच्छा, वो अब सिर्फ तुम्हारा मायका नहीं है, कीर्ति का ससुराल भी है। अच्छा नहीं लगता, हम कोई और रास्ता देखेंगे इस शंख को वापस पहुंचाने का। नहीं चाचू, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं जा सकती तुम नायरा, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सॉरी दादी। मैंने मेल कर दी है आपको। प्रिंसेस अचानक वापस, क्या हुआ? बिटिया रानी अचानक? मैं कॉल करती हूँ आपको, आपको कुछ देना था पापा। मैं जयनगर से निकल रही थी तो वहाँ आपकी फेवरेट पेड़े वाली शॉप दिख गई, तो सोचा आपके लिए ले आती हूँ। आप इतने दिनों बाद आए हैं। थैंक यू बेटा। पापा वैसे मेरा ना कुछ सामान रह गया था रूम में, मैं वो भी लेके आती हूँ। हाँ जाओ।
सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू भगवान जी, नहीं तो पता नहीं क्या कर देती मैं। अच्छा हुआ जो मन में ये ख्याल आ गया कि दोनों परिवारों की खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। अगर शंख के बारे में इस घर में बताऊंगी तो इस घर के लोग खुश तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन फिर जो दादी के बारे में सोचेंगे वो ठीक नहीं होगा। और किसी और को तो क्या, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा।